आप लोग हमारे बीच में हमारे समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग यहाँ आए, हम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी मांग ये है कि आप एक चीज़ बताइए, एक जो बाबा जिसके पास कोई संविधान में औपचारिकता नहीं है उसको सुरक्षा दी जाती है, एक कंगना रनौत जो फिल्मी अभिनेत्री होती है सुरक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे भाई के ऊपर चार चार गोलियां चला दी गई है। छः छः लोग थे, सरकार अपनी नाकामी छुपाते हुए चार लोग को बता रही है, उसके बाद हमारे भाई को हमारी यही मांग है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर अभी आप कहाँ से आए हो? सर मैं आजमगढ़ दियारगढ़ विधानसभा आजमगढ़ से आया हूँ जी। आजमगढ़ आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, आपकी क्या रणनीति? हमारी मांग भाई साहब पत्रकार महोदय, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे बीच में हमारे समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग यहाँ आए, हम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी मांग ये है कि आप एक चीज़ बताइए, एक जो बाबा जिसके पास कोई संविधान में औपचारिकता नहीं है उसको सुरक्षा दी जाती है, एक कंगना रनौत जो फिल्मी अभिनेत्री होती है सुरक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे भाई के ऊपर चार चार गोलियां चला दी गई है। छः छः लोग थे, सरकार अपनी नाकामी छुपाते हुए चार लोग को बता रही है, उसके बाद हमारे भाई को हमारी यही मांग है, चंद्रशेखर भाई को जेट प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। 2024 में चुनाव है, 2024 जी, उससे पहले उनके ऊपर गोली चलती है, इसका किसको फायदा मिलेगा? इसका फायदा ये तो सरकार, ये तो योगी और मोदी का जो राज है, जो आदमी अगर ताकतवर है, जो आदमी अपनी आवाज उठाना चाहता है उसको या तो जेल में डाल दो या तो उसको गोली मार दो। कोर्ट के अंदर लोगों को गोली मार दी जाती है, ये कहाँ यहाँ के संविधान है? संविधान में क्या बताइए? अगर इससे बीजेपी को और फायदा हो रहा है तो इसमें बहन जी खुद कहती है कि चंद्रशेखर तो बीजेपी के एजेंट है। देखिए देखिए, बहन जी हमारी आदर्श है, बहन जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे भैया भी सम्मान करते हैं, बहन जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बाकी चंद्रशेखर है, हमारा नाम है अनिल कुमार लारपुर, आजमगढ़ दीदारगंज विधानसभा से आए हुए हैं। हमारी यही मांग है, हमें किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमें किसी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी एक ही मांग है हमारे समाज के शेर चंद्रशेखर रावण का जो कि जेट प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। या सरकार से आप ये जो उम्मीद कर रहे हैं जेट प्लस सुरक्षा की या नार्कोटिक्स कोर्ट इसकी जांच की, क्या ये सब उम्मीद आपको उस पर? सर उम्मीद का ये सरकार ही ऐसी है, ये सरकार तो नचनिया के लिए, हम नचनियों के बारे में उम्मीद करते हैं, हम नचनियों के बारे में उम्मीद करते हैं कि हाँ उनको मिल सकती है, लेकिन साहब हमें तो नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अगर आवाज़ उठाएंगे, आप लोग आवाज़ में इतनी ताकत है तो आप लोग कुछ कर सकते हैं। आप तो वो नहीं हो, तो आप तो बड़े बड़े चैनल वाले नहीं हो कि पीछे से आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है, आप ही एक स्वतंत्र आवाज़ वाले हैं जो मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप लोग आवाज़ उठाओ, हमारे चंद्रशेखर रावण जेट वाला सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम अनिल कुमार लाल आजमगढ़ जा रहे हैं। जा 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 कुछ साथी और हैं जुड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाथों में भाई चंद्रशेखर जी का पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे, इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हो, और एक बार फिर भाई साहब कहाँ से आए हो? भाई साहब कहाँ से आए हो? राजस्थान भदोही जिले से। मुटौल जिले से आज की आपकी क्या मांगे रहेंगी? हमारी मांग रहेगी जो भाई के ऊपर हमला हुआ है उसमें CBI जाँच हो और उन अपराधियों की तुरंत उनके सजा मिले और भाई को जेड प्लस की सुरक्षा मिले और हम बहुजनों के जो साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश में वो खिलवाड़ बंद हो, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ बंद हो, हमारे भाई जेड भाई है। अगर सरकार आज आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आज सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आने वाले समय में हमारे उच्च नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा हम सब उसके तहत उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। मैं दिलीप भीम कनौजिया, जिला अध्यक्ष भदोही, आजाद समाज पार्टी। इसके पीछे किसका हाथ मानते हो आप? इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टियां हैं जो इस समय सत्ता में है उनके इशारे पे कार्य हुआ है। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, CBI जाँच हो और CBI जाँच होने के बाद हमें ये बताया जाए कि किन कारणों से हमारे भाई, हमारे मसीहा, हमारे नेता, हमारे रहबर के ऊपर ये हमला हुआ है। हम मानेंगे इससे आप किसको फायदा मानते हैं? इससे किसको फायदा होगा? इससे किसको फायदा होगा? इससे किसे फायदा होगा? किस चीज से? इससे मनुवादी विचारधारा के लोगों का एक बहुत ही षड्यंत्रकारी एक मकसद है उनका, वो चाहते हैं कि हम बहुजनों की, हम दलितों की, हम शोषितों की, हम वंचितों की, हम निर्धनों दुर्बलों की, हम महिलाओं की, हमारे बहन बेटियों की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में उभर रही है उसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं हम नीली क्रांति के वो सिपाही हैं, चंद्रशेखर आजाद भाई के तैयार किए हुए वो सिपाही हैं जो उनके मंसूबों को मनुवादियों को पूरे होने नहीं देंगे। जब तक हमारे सीने में धड़कने चलती रहेगी तब तक चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए हम लड़ते रहेंगे और अंतिम दिल तक लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद।
आज आपकी बात नहीं मानेगी तो आज हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा हम उसके तहत आगे बढ़ेंगे। देखिए जब कोई भी रैली जलसा होता है युवाओं को सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि लोग धर्म पर राजनीति कर सकें और माननीय चंद्रशेखर आजाद जो कि बहुजन आई कौन है हम लोगों के, उन्हें सुरक्षा इसलिए नहीं दी जा रही कि इन्हें डर है कि कहीं पढ़ा लिखा युवा अगर जो राजनीति में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा नहीं दे रहे और लगातार भीम आर्मी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। एक सवाल, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो 28 जून को गोली चली थी उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या उसमें तो जो गोली चलाने वाले हैं चार युवक उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन या नारकोटिक्स का? इसके पीछे मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरद सिंह के समर्थकों ने जिस प्रकार से धमकी भरे अंदाज में आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली हैं, तो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं कि हमें शक है कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का हाथ है, मनुवादियों का और ब्रजभूषण शरद सिंह का। इसमें भाजपा का हाथ है क्या? रास्ते से हटा करके इसमें क्या उनको अपना एक अलग फायदा लेना चाहती है क्या भाजपा? धार्मिक तरीके से बांटने का काम करती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज को एक करके एक झंडे के नीचे लाने का काम किया, एक बैनर के नीचे का काम किया, तो भाजपा को डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये युवा जो यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा है और ये राजनीति में और सड़कों में वोट अपने समाज का लगा जीते। गोली चली, इतने बड़े लीडर आ रहे हैं नए नए बहुजन समाज के, इस पे बहन जी की कोई प्रक्रिया नहीं आई क्या? वो हमारी बड़ी हैं, जैसा कि हम चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था, वो उनका व्यक्तिगत उन्होंने ट्वीट नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी वो जो अपना वोट बैंक दलित वोट बैंक है वो अपना अधिकार समझती हैं, उन्हें डर है कि ऐसा ना हो कि महलों में बैठ के जो राजनीति करते हैं कहीं ये सड़कों के राजनीति वालों के समर्थन में आ जाए तो उनका वोट बैंक छिन जाए। इस वजह से इससे 2024 में चुनाव है लोकसभा का, इस पे चंद्रशेखर आजाद पे जो गोली चली है इससे किसका फायदा हो रहा है? भाजपा और आरएसएस के लोग माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, गोली चली इसमें कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे भाजपा आरएसएस के लोग कि चंद्रशेखर आजाद जी को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये जो हजारों युवा एक साथ उनके साथ खड़ा हुआ है और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो ये बहुजन समाज एक ना हो पाए। पूरी पार्टियां जो है मिल करके गठबंधन बना रही हैं, क्या उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल हो सकते हैं? ये राष्ट्रीय कोर कमेटी के फैसला है, ये आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी का फैसला है। सर एक और सवाल है सर मेरा, सर और भी तो दलित नेता है लेकिन चंद्रशेखर पर अटैक क्यों होता है? सर यहाँ पे आया हुआ एक एक कार्यकर्ता अपने पैसा लगाकर अपना खर्चा करके, जबकि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि ना मैं आपको खाना दूंगा ना पानी दूंगा, सिर्फ मुझे आपकी ज़रूरत है, तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो युवा इकट्ठा हुआ है वो अपना खुद का पैसा खर्च करके यहाँ आया है, तो ये जो लोकप्रियता है ये जो चंद्रशेखर जी की फैन फॉलोइंग है ये सारी पार्टियाँ तो ला सकते हैं लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहाँ से लेके आएंगे, माननीय विनय रतन कहाँ से लेके आएंगे, जो जोश आज लड़कों में